आज से मैं इस घर में रहूंगी और आज से जो है ना ये मेरा घर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। अल्लाह पाक पाक सलामत रखे, खुश रखे। है नी, तू पाड़ियो है कपड़े क्यों पे दी? नमा पे दिन था ऐसे मेरे बैठे थे पाड़ा गए। पाड़िया गए? ओ पहले कल ले उस पे दिया में यो तो हाँ कल हो का था पे दी पाड़िया वदे कशा चढ़िया हो सी मेरे से ना नमा सूट पहली दफा पाला चला कुछ ना थी वी गरीब दा इतनी घी कौन सटे ना यार इतनी घी सटी बैठी तू पानी है घी कहना अच्छा पानी है कितनी ग्यू, अच्छी ग्यू है तो घी तो बगैर सालन कितनी अच्छी हो तो माशाल्लाह जो पानी में सालन बनाती हो आप सोचते होंगे कि ये आपके मैं आपके बारे में नहीं सोचती क्या नहीं नहीं सोचती हूँ यही सोचता हूँ मैं कि ये मेरे बारे में क्यों सोचती है सोच सोच के यही परेशान हूँ कि ये मेरे बारे में क्यों सोचती है माशाल्लाह अम्मी जान आ गई है ओ मेरा मोटू पतलू हसन हसन पानी पीने हाँ हसन जाने के लिए ना फुल दुआ करनी है फुल बटा फुल क्योंकि इसको ना मोशन लगे हुए हैं हसन जाने को बहुत ज्यादा मोशन लगे हुए हैं हाँ जी शक्ल पीली बहार है और बिल्कुल ना ऐसे अब पानी की तरफ ओ छक्के नहीं छुड़े ना पिया चलो पा रेडी पानी शो शाला कुछ ना थी भी मेरी अम्मा थकी है उनको पानी पा दे हाँ अम्मी जान आपको पानी दूं थकी हुई तू थकी हुई कहने आई थक के तो आई हाँ त्रेह कहने अच्छा प्यास शो शाला कुछ ना थी भी अल्लाह करी प्यास ना लगी प्यास ना लगे हाँ जब लग दे ना वाला फोटो हाँ वो फिर पेट फूल जाता है और प्यास लगी रहती है आज न्यू घर की बिजली की होनी थी वायरिंग पता नहीं हो रही है वायरिंग जी और तारा रास्ते का छिल लिए सारी बर्बादी चक्कर भाई यार तो वड्डा सारी अक्कल करे थोड़ा जा छिलिया कहे ना बर्बादी करवाई है ना एसी चल रहे जोड़ बन गए ना जेड़ा दिल करे सी बर्बादी करे सी कड़ा बेहतरीन तवा लाजवाब तवा काला तवा मजे की बात बताऊं आज हम ये घर छोड़ के अपने घर में जा रहे हैं ये घर छोड़ के अपने घर में जबकि ये अल्फाज नहीं बोलना चाहिए था आपको बोलना चाहिए था ये वाला घर छोड़ के अभी हम दूसरे वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं ये आपने तो ये बोलना था ना ये किसी का थोड़ी है ये भी अपने अल्लाह पाक ने हमें दिया है क्यों ऐसे अल्फाज बोलती हो तुम ये वाला घर छोड़ के हम अपने घर जा रहे हैं ये रेंट का था नहीं नहीं ये भी हमारा ये हम इसका कोई किसी को किराया देते हैं यार अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरा लकी है यार ना बोला करो ऐसे यार मेरे सबो ना इस मेरे बड़े घर के पीछे पड़ गई है कभी इसको अपना घर नहीं मानती कभी जो है ये नहीं कहती कि ये वाला घर सही है कभी कहती है ये वाले घर में आए हम ऐसे हो गए वैसे हो गए यार अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अल्लाह पाक ने मुझे इस घर से नवाजा है मुझे पता है ना मैंने कैसे बनवाए है क्या क्या किया है लेकिन ये कहती है बस मेरे को वो बेकार का शौक है मेरे को वो बेकार था वो वड्डा तारा घर ते को क्यों नहीं बंदा सफाई नहीं थी नहीं वड्डा है यो क्यों हम खाएंगे पकाएंगे उसमें सोएंगे इसमें अभी देखो आंसू आए हैं आ जाओ आंसू ना बर्बाद करो चलो नहीं नहीं आते यार अभी रोने का टाइम नहीं है अभी काम करने का टाइम अरे ये हुन केड़ी दाल उबलती खड़ी है चने वाली नहीं सही तो धोती मुरी कौन उबालता है चिट्टी दाल नहीं ये वाली दाल कौन उबालता है यार वाता के वे आप पकाया वाता के वे क्या है यार उबली दी कह नहीं इवे पकी दी है बेहतरीन होटल वाली इवे पकी दी है बॉयल करी में बॉयल करते हो बाप चलो थोड़ी मर्जी
ओ आयावती कैसे हो? तबीयत सेहत फिट फाट हो? हुन अलेसी कहना आला तो सही तबीयत की में हां मैं को आके भिंडियां की दे तो दाल चटारी हां ते यार भिंडियां यार पेट में दर्द कर रही है सबको। मैं सबका सोच रहा हूँ, अपने आप को भूखा मार रहा हूँ। मैंने कहा दाल बनाओ, चलो सब तो खाएंगे ना दाल। बोला सबकी तबीयत खराब है, फिर भिंडिया खाएंगे मजीद तबीयत बिगड़ जाएगी। दाल भी अच्छी बनती है। हाँ दाल अच्छी बनती है, इसलिए बड़ी मिन्नत तरले से इसको मैंने दाल बनवाई। ये पकाती नहीं है, इसको तो थोड़ा समझाओ आप। वो बना रही है। अब वो बनाती हूँ, खाते नहीं है, जैसे बनाती वैसे फिर जाया कर देते हैं। पता है कितना बनाती है? आधा किलो दाल बना देती है, आधा किलो। लोग खाएंगे यार आधा किलो। आधा पाव बनाओ ना, आधा पाव, वो हमारी फैमिली को पूरी है। हम शाम से खाते हैं, बच जाए हमें दे देना। हाँ अरे वो आधे आधा किलो पकाओ, कोई नहीं साकू डेडी है। तू गए नहीं है, थोड़ी जी पका, चंगी पका, रहा देना कोई ना। घर आपके घर में दाल है ना, आप बना लेना। सादे कने रखी है, दो किलो दाल रखी है, बस वही बना लेना। ठीक है, आज बनावे लेके मैं 1.5 किलो भिंडी की दे अपनी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है तुम्हें से? ठीक है, फिट हो? माशाल्लाह तबीयत सही थी की? अच्छा चलो, अल्लाह पाक सलामत रखे। कहनी थी ना कमजोरी है। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है इसको कमजोरी है। हाँ कमजोरी है। चलो हम कितनी देर रेडी तेरी पकड़ को? हाय जबरदस्ती नियम दिए बेहतरीन। अभी मुझे जैन ने बताया कि आपका ना नुकसान कर रहे हैं मिस्त्री। मैंने उन्हें कहा भी था कि यार अच्छे तरीके से काम करना है, क्योंकि इतनी मैंने प्यारी जगह बनाई है, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, तो इसमें कोई भी ख़राबी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने फिर भी जो है ना वो कह रहे हैं कि इन्होंने काम ख़राब कर दिया, इनकी बिजली की जो है ना वो वायरिंग करवानी थी। अभी देखते हैं कि क्या किया है इन लोगों ने। अभी तक तो एक बोर्ड तक नहीं लगा हुआ, एक बोर्ड तक अभी तक नहीं लगा हुआ। ओए ये क्या किया? ये सुराख किया है बोर्ड के लिए। बोर्ड इधर लगेगा? बोर्ड इधर लग जा रहा है, इसके ऊपर लगना चाहिए थे। ऊपर लगना है। ये झिक्का है बोर्ड। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? मुझे बताया आपका नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं भाग के आया। ये देखें जी, बिजली की शीट जो है ना वो लग रही है यहाँ पे, वेदर शीट। ये देखें, इधर से ऐसे फिर पंखे पे आएगी, इधर से जो है ना यहाँ पे बल्ब लगेगा, इधर से उधर अंदर चला गई, इधर से। मैंने कहा शायद बोर्ड शोर्ड अभी तक सिर्फ यही काम किया है। वाह भाई, ढिल्ले रे यार। मैंने कहा शायद ये वाला घर मुकम्मल हो गया, अब अगला पोर्शन शुरू करेंगे। ए वती ढिल्ला, वह ढिल्ला नुकसान ना करी मेरा, सही तरीके से वायरिंग करनी है। उड़ू ना इतू चप्पे जितनी तार पाते दे, साइड देखे ना इन दीवार तक आई तार। हाँ दीवार तक आवे तार। चले जी, आज जो है ना माशाल्लाह से इस घर की वायरिंग जो है ना वो जारी है, अल्लाह खैर करे। यार मामे को कोई काम ना करा डी बीचो, बड़ी मेहरबानी। कल मामा आया सिपलाई साड़ रखे मेरी, उल्टा तारा ला दे सिपलाई साड़ रखी है। अभी बाहर जो है ना कुछ भी नहीं हुआ, जबकि बाहर जो है ना वो काम होना था। मैंने समझा शायद बोर्ड शोर जो है ना वो लगे हुए हैं, लेकिन ये हैं ढीले। उस्ताद इनका आता नहीं है, तो इस वजह से ये जो काम करते हैं ये बिल्कुल ढीला काम करते हैं। तो बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे जी, इंशाल्लाह। मैंने उसको कहा है कि शाम तक ना काम सारा कंप्लीट करना है, तो इंशाल्लाह ताला अगर शाम तक बिजली की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो रात को ना इसमें हम चलाएंगे लाइटें। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। लोग कहते हैं जी मेरे ऊपर ना फलां गम है, फलां दुख है, इतनी बड़ा दुख है, लेकिन जब वो किसी और का दुख देखते हैं ना, वो कहते हैं यार ये तो दुख हमारा कुछ भी नहीं है, इस इंसान पे ज़्यादा दुख है। तो लिहाजा अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें, ज़्यादा दुख ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा ये ना कहा करें यार हमारे पास कुछ नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें, अल्लाह पाक से मांगते रहें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक सब कुछ देगा।
चलें जी अभी जो है ना चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पहुंच गए दोबारा से घर और इधर माशाल्लाह से अम्मी जान आ गई। किधर गई थी? अच्छा, वो तो हम पहले भी आपसे मुलाकात हो चुकी है, पानी शानी का पूछा था। चलो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वो खाली बस पट्टियां लगा रहे हैं और उसके अंदर तारें डाल रहे हैं, बाद में बोर्ड लगाएंगे बस। वो जब बोर्ड लगाएंगे वो तो फिर मेंट नहीं लगाना उन्होंने, जब अंदर सारी तार डाल जाएगी ना तो बस फिर। एक उनका सेकंड तो उधर बोर्ड सेट कर रहा है वो बटन दे चीज़ों। हाँ वो हर बंदे को ना ताजे, उसने इसलिए तो कल देखा था, उसने जाके ना बनाने शुरू कर दिए थे, अभी सुबह सब बनाने शुरू कर दिए बोर्ड सारे, तो इंशाल्लाह शाम तक मैंने कहा कि ये ना आप ओके करके दो शाम तक इंशाल्लाह। जुम्मे से पहले ओके कर लेंगे। हाँ नहीं जुम्मे से पहले नहीं, अभी तो पिछले पोर्शन पे फिर सुराख मारने होते हैं, फिर वायरिंग पिछला पोर्शन हो जाएगा ना जुम्मे के टाइम तक। हाँ तो हमने सफाई करने वाला वो बात कर रहा हूँ। अच्छा अहमद मेरी दवाई ले, अहमद मेरी तबीयत खराब है, अहमद मुझे ये हो गया, अहमद मुझे वो हो गया, फिर अहमद ने कहा दाल बना लो तो सबा ने फिर अंडे भून के ना वो खाना शुरू कर दिया, फिर कहते तबीयत सही नहीं है। अपने साथ आप खुद करते हो, अपने साथ खुद करते हो। अब अंडे खा रही हो, पहले हसन की तबीयत इतनी खराब है उसको पानी वाले मोशन लगे हुए हैं, और तू ना बच्चे का सोच रही है ना अपना सोच रही है, अंडे खाई जा रही है। मैंने कहा वो दाल पक रही है वही खा लेना, दाल ज़्यादा बस दिमाग तो वो थे यार देख क्या हो तो सारे में तेल पका रहे। चलो अपना नहीं बच्चे का तो सोच ले यार, बच्चे का तो का बीमार था, मैं तो त्रिजी द्वारा बीमार, वो तेरी वजह से होता है। अच्छा तू गर्म चीजें खाएगी ना बच्चे पे असर होंगी। थां धोएंदी खड़िए, थां धोएंदी खड़िए, पूरा किचन साफ करेंदी खड़िए। इडू चावल दिखे मैं ये कड़ा दिन चावल जो हसन जने रात बनाए थे। अच्छा ये कैसे झग मारी हुई है? नहीं मारी है, सही है सही। अभी उसको खिलाओगी? हाँ, वो नहीं ये सालन है, ये क्या है मसाला? ये उन्हीं दे दाल पकदी पिए दाल जब गल जाती है ना उसको निकाल लेते हैं, फिर कढ़ाई में मिसाला रेडी करते हैं सारा, उसके बाद जो है ना फिर ऐसे मिक्स करने वाला चंगी हो सी। हाँ तो जो कढ़ाई में बनाती वो बर्तन और में जो है ना दाल लेके जाती है तो उतनी टाइम हो जाता। अच्छा इसलिए मैंने कहा चले परिवार में मिसाला रेडी करके कढ़ाई में डाल के मिक्स कर लेते हैं बस। अच्छा दाल वैसे ही बनेगी, टेंशन नहीं है सब, मुझे पता है जो भी खाना बनाती है अच्छे वाला बनाती है ये। अच्छा खाली दाल है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है, सबज मिर्ची है पूरी पूरी। अच्छा लेकिन ये मिर्ची फिर थोड़ी इसमें सबज है थोड़ी रेड वाली डालूंगी। चलो हम मिसाला रेडी ठीक है दे रही प्याज लहसुन वाला झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था, बाकी कचरा वगैरह उठाना है पानी वगैरह मारना है तो वो अभी चलते हैं, फिर जो है ना पूछते हैं कि क्या कहते हैं सबो होनी थी खड़ी रासे या जुल से मारो उसकी खेस है मेरे को आज की में माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी जान ने रोटी खाना शुरू कर दी, दाल खा रही हो? कैसा टेस्ट है? अच्छा वीआईपी माशाल्लाह, आपको खाते हुए देखकर मुझे भी भूख लग गई।
तंदूरी रोटी कितनी आई? अभी अभी भी तंदूर पे पकाई? वाह मजे लग गया। तो वीआईपी दाल और साथ में तंदूरी रोटी। बस अभी तो तंदूर वाली रोज पक रही है माशाल्लाह। कल तो पूरी फैमिली हमारे घर में इकट्ठी हो गई और माशाल्लाह तंदूर पे रोटी बनाई, सबको बहुत मजा आया खाने में। इसलिए ये कह रही थी मार्ट हाउस को ना अभी चलाना चाहिए। फ्रिज तू आप रख ना, बाल कुड़े नहीं पे फ्रिज रख, दिमाग तेरा लग दे हुण। कपड़े चेंज कर गए, चोला तेरा पाड़िया वदे। वला एडे वेंदी पिए ड्योल, पहले उड़े ही ड्योल सफाई बात ते करें। मेरे को दिखा क्या क्या उड़े सफाई की थी। अरे सबो आ यार, ये देवरते आ उधर चले देखें। आज ना इसने मार्ट हाउस में ना काफ़ी सफाई की है और ऐसे वीआईपी माहौल बनाया हुआ है ना, अभी जाके दिखाते हैं आपको, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरा खुश हो ना हो आपका ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि मैं देख के फैसला करूँगा। क्या करोगे? ड्योल में को भूख लगी खड़ी है खुद। मैं रोटी खा के रोटी खा ते टाइम में ना पाए, टाइम को भी देखना पड़ता। बोला पोचा चाहिए दी है, बोला पोचा मारन पै गई है। मर्जी है तेरी, मेरा शिनाख्ती कार्ड आ। हाय बकरी कैसी हो? ठीक हो? खटड़े के दाने चाहिए आते जड़ा ना वाला दही सटेने हैं ते वाले इंशाल्लाह ताला मुर्गियों को रजेने हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी, पूरा मड हाउस जो है ना वो चमक रहा है। और यहाँ पे ये क्या डाल दिया है? ये वो कमरा खाली किया है। उन्हें पाइप क्यों लेनी पी मत? ये सफाई की है ना, उस कमरे में सफाई करके उसमें इतना सारा पानी मारूंगी कि सारी मिट्टी जो धूल है ना वो खत्म हो जाएगी। उसमें सारे मैंने बर्तन रखने हैं, किचन का सारा सामान उसमें रखना है मैंने। उधर सफाई की हुई है अभी? कचरा रखा है, अभी उठाना है कचरा। मेरे ग्लास ही पिला कर देखें कितनी हो गया है। सही हो गया माशाल्लाह। इधर माहौल भी ठंडा होता होगा? फुल ठंडा ठंडा का, फुल ठंडा का। हाँ इधर जब नीचे सफाई अभी हो रही है ना, इसको जब आप फिर लगाओगे ना वो क्या कहते हैं झाड़ू, पानी मारोगी, झाड़ू मार के ना फिर पानी लगाओगी इसमें, फिर चार पाई डाल के बैठो ना बड़ा सुकून मिलेगा। जरूरत नहीं है वो एक क्लीन जा, वो दूसरी भी नहीं मिलती रबड़ वाली चटाई, वो डाल के एक सोलर प्लेट उधर बांध देते हैं, छोटा सा पंखा यहाँ पे लगा देते हैं, सारा दिन यहाँ पे गुजारेंगे। सही है ना? सही है, मजे का माहौल है ना, मजे का माहौल है। मेरा बहुत ज्यादा दिल चाह रहा था, रात सारी मुझे नींद नहीं मरी, सोचती रही हूँ रात, पता है आपको करीबन 1:30-2 बजे मैं सोई हूँ। अच्छा फिर सुबह सुबह उठ के मैं इधर आ गई। हाँ चले अभी जो है ना मैं ये कचरा उठाऊंगी और ये सामान उधर रखवा के इसमें मैं इतना सारा पानी मारूंगी कि ये लिपाई हो जाए, फिर जो है ना लिपाई करके ये सूखेगा, फिर यहाँ पर मैं सारे बर्तन रखूंगी अपने मिट्टी वाले, मिट्टी वाले बर्तन सारे इकट्ठे करके धोने हैं, उनको धो के यहाँ पे सारे सेट करूंगी। अब यहाँ पे शुरू। सही है, बाकी लकड़ियां जो है वो मुझे मंगवा दो। माटा उसमें मारा था पानी? हाँ उधर रात मारा था, अभी मुर्गियां हैं। अच्छा हाँ। साफ हुआ पड़ा है ना वो? हाँ साफ है वो, तो मुर्गी उन्हें फिर गंद कर दिया होगा। कोई नहीं, अभी उनको दाना पानी देती हूँ ना, वो खा के बाहर घूमने फिरने जाएंगी, फिर उसकी सफाई करूंगी। सही है। हाँ जी कैसा लग रहा है? बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लग। बेबो इधर है मुर्गियां, क्या कर रही है? हाय कैची हो? ठीक हो? हाँ ये देखे फिर सारा गंद किया हुआ है इन्होंने। दाने ले आए हो बेबो? ओ सारा वाला लेके मेरे पास, रात इतनी सोना लग रहा था जब मैंने चमकाया। ये अब हमने ये वाला मुर्गियों के लिए नहीं बनाया था, अब मुर्गियां आपने छोड़ दी। आज का दिन है, आज मैं सारे इसकी भी सफाई कर रही हूं ना ऊपर नीचे, आज इनको इधर नहीं ढकूंगी, उनकी खुटी साफ करती हूं, इनको उधर ढकूंगी, पहले इनकी ना जालियां लगवा दो। जालियां पड़ी हुई हैं बस लगानी है। वो
कल अबू ने कहा मुझे बताओ मैं सारी खोल दो। हाँ वो सारी नहीं खोलनी, इसकी जगह भी बनाई हुई है, सिर्फ ईंटे हैं उसको प्लस्तर नहीं किया, ईंटों को हल्का सा ऐसे मारेंगे ना ईंटे निकल जाएंगे, फिर उसमें जो है ना फिर जाली लगाएंगे ठीक है। हाँ, वो फिर किस, पता नहीं है कि किस किस जगह पे है। हैं? पता है मुझे, फिर वो जगह मुझे बता दो, फिर शाम को अबू लोग आएंगे ना उनको कहूंगी खोल देंगे। सही है माशाल्लाह सारी इकट्ठी। आप तो कह रही थी सबों के सारी मुर्गियां जो हैं वो बीमार हैं, मुझे डरा रही थी। एक कुकर की आंख नहीं है, आंख नहीं? नहीं करो वो उसकी आंख नहीं है, वो सामने वाली नहीं, इसमें से वो मोटी है, वो ये ओरली ओरली जो जा रही है वो। अभी बाहर कौन आया है? क्यों पैसे गिरने लग गए? हाँ हूने नाला जे काम थे आगा नहीं, पैसे तो ये बकरा ही तो बाद इंशाल्लाह, क्योंकि हमने बकरा शकरा लेने हैं ना। सर आपके एक पोर्शन का काम मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, बोर्ड लगाना ले रहा है, हम जा रहे हैं जुम्मे के बाद आएंगे। हाँ आज इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे दोनों पोर्शनों का काम, दोनों मुकम्मल करें। सही है, वो ताला लगा दें ठीक हो गया। हाँ ताला ला, बिजली चालू करेंगे हम। हाँ भाई ये ना अपने शागिर्दों को बता दो, वो ना सुराख जब मारते हैं ना एहतियात करें, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ। वो उन्होंने काम डाल दिया पहले डाल दिया लेकिन अभी दूसरे में भी शुरू करेंगे, वो ज्यादा ना मतलब वो मेहनत होती है ना सुराख बारीक मारने पे, थोड़ी मेहनत होती है, वो मेहनत नहीं करते, वो धड़क वाली चला देते हैं। ऐसी बात नहीं, हमारे पास है वाइब्रेशन वाली ड्रिल, हिल्टी ड्रिल। वो वाइब्रेशन वाली ना चलाओ ना, दूसरी चलाओ आप, उससे हमारा जोर लगता है, वही अपना जोर लगाओ लेकिन बचाओ। चलो हाँ ताले लगा के आ जाओ। अभी कहते हैं पिछले पोर्शन का काम मुकम्मल हो गया, इंशाल्लाह जुमा नमाज के बाद जो है ना फिर अगले पोर्शन का काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। चलो तो पानी शानी मार ठीक है, मैं वेना पे वहाँ रोटी शोटी खमना, अल्लाह पाक तक सलामत रखे ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, ओके जी प्यारे बहन भाइयों अब हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। रात वाली वीडियो तो हमारी बहुत कमाल की होती है ना, वो आप ज़रूर देखा करें। पाकिस्तान हाँ जी इंशाल्लाह, बस अभी जो है ना मैं एक बजे तक ना सारे घर की मुकम्मल सफाई कर लूंगी, फिर जो है ना छत पे लकड़ियाँ पड़ेंगी वो भी ले आऊंगी, फिर शाम को हम यहाँ पे कुकिंग। तो आप सुबह सुबह वैसे कर लो ना, अभी गर्मी में कैसे करोगे? हो जाएगा, टेंशन ना लो आप। मुझे टेंशन होती है ना यार, इतनी गर्मी में आप काम करती हो, वही सुबह सुबह ठंडे टाइम किया करो तो कितनी बेहतर है। या अभी वेट कर लो, शाम को आप काम भी कर लेना और साथ में कुकिंग भी कर लेना। नहीं जो मैं अभी कर लूंगी ऐसे वेले क्या करती रहूंगी। चलें जी प्यारे बहन भाइयों, आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, साहब बहन भाई जिंदाबाद, बाय बाय जी, बाय बाय।